हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 11 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ए बी सी एंड डी आर इनपुट एंड वाई इज द आउटपुट बिट इन द एक्सओआर गेट सर्किट ऑफ द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सम एस ऑफ ए बी सी डी एंड वाई इज करेक्ट। देखिए, ये एक्सओआर गेट है। तो एक्सओआर गेट में क्या होती है, यहाँ पे ए बी है, मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा आउटपुट, ए एक्स और बी मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आउटपुट, सी एक्स और डी मिलेगा। और यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना मिलेगा ओवरऑल, ए एक्स और बी एक्स और सी और एक्स और डी, यही मिलेगा। अब ये बोल रहा है देखिए यहाँ पे कि द सम एस मीन्स सम कितना मिला, यही मेरे को मिला है ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी ऑफ ए बी सी, ए बी सी डी एंड वाई इज करेक्ट। अगर हम लोग बोल रहा है कि अगर हम लोग ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी अगर हम लोग इसका एक्स और करते हैं वाई के साथ तो क्या मिलेगा वैल्यू। तो देखिए, इतना का वैल्यू तो हम लोग पहले ही देख लिए, इसका वैल्यू कितना है, वाई का ही वैल्यू है, मीन्स इसके जगह पे वाई पुट कर सकते हैं। और एक्स और कितना है वाई। देखिए, एक्स और गेट में जब दोनों इनपुट सेम हो जाए तो आउटपुट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन है, एस इज ऑलवेज विथ जीरो और ऑड। तो देखिए, ऑड रहेगा तो क्या मिलेगा, आउटपुट वन मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्स और क्या होती है, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ से नहीं मैच कर रहा है। बी देखते हैं, एस इज ऑलवेज आइदर जीरो और इवेन। तो हाँ, देखिए सम जीरो होना चाहिए और ये इवेन नंबर पे सम क्या है, जीरो मिलता है। तो ये मेरा मिलता है, तो ये मेरा ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट द आउटपुट वाई इक्वल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, ये क्या है एंड है, और ये भी है एंड। देखिए यहां से ये ए आया और यहाँ से बी आया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, ए एंड बी का बार मिला। ठीक है, यहाँ से ये देखिए ये आया है, ए बार यहाँ पे जाएगा और ये है बी, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार बी। और देखिए यहाँ पे ये क्या आया, ए, और यहाँ पे ये क्या है, बी का बार आया। ये दोनों इनपुट पे अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए इंटू बी बार। ये कौन सा गेट है, सा गेट है और गेट है। तो वाई का वैल्यू और क्या करता है, ऐड करता है, मीन्स ए ए बी का होल बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, यही मिलेगा। और देखिए ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इधर मैं लिख लेती हूँ, प्लस ए बी बार है। देखिए यहाँ पे हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, ये हो जाएगा ए बार बी और ये है ए बी बार। देखिए जब भी ऐसा है तो मैंने आपको बताया था कि आप कॉमन लेने का सोचो, तो इस दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बार, तो बचेगा क्या वन प्लस बी, और इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस बी बार, तो क्या बचेगा वन प्लस ए। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है वन, तो सिंपली क्या आ गया, ए बार प्लस बी बार, मीन्स डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि इफ द इनपुट टू द डिजिटल सर्किट ऑफ द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ अ कैस्केड ऑफ 20 एक्सओआर गेट दिया हुआ है, 20 एक्सओआर गेट दिया हुआ है, ठीक है, इज एक्स, देन व्हाट इज द आउटपुट वाई, सारा जो है किससे कनेक्ट है, देखिए यहाँ पे एक्स से सारा कनेक्ट है, तो पूछ रहा है कि आउटपुट क्या होगा। तो देखिए ये कौन सा गेट है, एक्सओआर गेट है, और एक्सओआर गेट के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है पिछले वीडियो में कि आप इसके बारे में दो चीज ध्यान में रखो, एक्सओआर के बारे में कि ये क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर
मीन्स अगर वन की वैल्यू ऑड रहेगी, वन की संख्या ऑड में रहेगी तभी आउटपुट मेरे को वन मिलेगा, ठीक है। और क्या होता है, जब दोनों इनपुट सेम नहीं रहते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, वन। अगर दोनों इनपुट सेम हो जाते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। और अगर किसी हम एक इनपुट को फिक्स कर देते हैं और दूसरा इनपुट वन देते हैं तो वो किस तरह वर्क करता है, इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। और अगर हम लोग एक इनपुट को जीरो से फिक्स कर देंगे और दूसरा इनपुट पे कुछ भी अप्लाई करेंगे तो वो बफर की तरह वर्क करता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये वन है और ये यहाँ से क्या गया है, एक्स गया है। तो मैंने अभी बताया कि अगर एक इनपुट वन हो और दूसरे पे हम लोग कुछ भी देते हैं तो वो इन्वर्टर की तरह काम करता है। मीन्स क्या है, जो क्या है, जो ये है वन तो इसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। ये एक्स मेरा वैल्यू है, इसको इन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या मिला, एक्स बार मिला। अब देखिए ये एक्स बार मिला और यहाँ से ये क्या गया है, एक्स गया है। दोनों मेरे क्या हो गए, अलग अलग वैल्यू हो गए। अगर आप एक्स के जगह पे वन रखोगे तो इसका वैल्यू जीरो होगा, अगर इसके जगह पे जीरो रखोगे तो इसका वैल्यू वन आएगा। मीन्स दोनों डिफरेंट है और डिफरेंट पे क्या मिलता है, आउटपुट वन मिलता है। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, वन मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे वन मिला, इधर से क्या क्या है, एक्स गया है, फिर वही पहली बात हो गई। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इन्वर्ट करके मिलेगा। तो अगर आप ऐसे ही चलते जाओगे तो देखो कि जो आप 20 टाइम्स करोगे तो वहां पे आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, वन मिलेगा। कैसे वन मिलेगा, जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग किए तो उसका इन्वर्ट मिला, जब हम लोग फर्स्ट टाइम किए तो उसका इन्वर्ट मिला, ठीक है। अगर हम लोग सेकेंड टाइम करेंगे तो वन मिलेगा, थर्ड टाइम करेंगे तो फिर से उसका इन्वर्ट मिलेगा मिलेगा। अगर ऐसे ऐसे करते करते आप अगर 20 टाइम करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गेट सर्किट शोन इन द फिगर। इसमें पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए इसमें आपको ये दिख रहा होगा, इसको एज्यूम करेंगे फर्स्ट पार्ट, देखिए ये वाला है तो इसको एज्यूम करेंगे सेकेंड पार्ट, और ये जो मेरा इतना तक बच गया तो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे थर्ड पार्ट। देखिए इसको मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, यहाँ पे ये ए है और ये बी है। तो देखिए ये जो है वो, इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं कि ये किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये आउटपुट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जीरो जीरो देते हैं, जब हम लोग जीरो जीरो अप्लाई करेंगे और यहाँ पे देखो आप माइनस VCC जा रहा है, मीन्स यहाँ पे माइनस VCC और यहाँ पे भी माइनस VCC, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। जीरो जीरो तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, मीन्स ये क्या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे जीरो दिए हैं तो डायरेक्ट हमको आउटपुट पे क्या मिलेगा, ये जीरो ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि बी को वन दिए हैं और ए को जीरो दिए हैं, बी को वन दिए हैं और ए मेरा क्या है, जीरो ही। तो ये देखिए अभी भी यहाँ से मेरा माइनस VCC जा रहा है, तो ये क्या है मेरा, अभी भी ये क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, और मेरा बी भी क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। तो देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगा, अगर ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मीन्स आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलना चाहिए इसके अनुसार। अब हम लोग देखते हैं बी का कि ये क्या है, अभी भी ये फॉरवर्ड बायस में है, मीन्स एनोड पे हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई किए हैं और कैथोड पे लो है, तो ये फॉरवर्ड बायस में है, मीन्स यहाँ पे क्या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे भी इसके अनुसार क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे जीरो भी मिल रहा है और वन भी मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक, जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पे जीरो मिला, ठीक है, अगर हम लोग जीरो लेते हैं तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, अभी भी ये क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, तो यहाँ पे वन मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे वन मिला तो ये वन इस पे भी अप्लाई होगा, अगर इस पे हम लोग वन अप्लाई करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। मीन्स क्या है, वन मेरा इफेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट क्या लेंगे हम लोग, वन लेंगे। और देखिए यहाँ पे अभी हम लोग देते हैं ए पे वन और बी पे जीरो, तो वही पहले वाली कंडीशन हो जाएगी, तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग दोनों पे वन मान देते हैं, जब हम लोग दोनों पे वन मान देंगे तो उस टाइम आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो देखिए ये किस टाइप का वर्क कर रहा है, देखिए ये तो था इस गेट के लिए,
अब हम लोग इसके लिए यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये, या इसके लिए आउटपुट मैं यहाँ पे अज्यूम करती हूँ। तो देखिए ए है, बी है और ये आउटपुट है। देखिए फर्स्ट कंडीशन में हम लोग दोनों पे जीरो जीरो अप्लाई करते हैं, ए पे भी जीरो और बी पे भी जीरो। तो यहाँ से ये बी सी सी आ रहा है तो यहाँ पे अप्लाई होगा बी सी सी मीन्स वन। तो देखिए अभी क्या है, मेरा दोनों जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है, मीन्स देखिए ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। डायरेक्ट जो यहाँ पे जीरो हम लोग दिए हैं डायरेक्ट आउटपुट पे मिलेगा, तो आउटपुट पे मिल गया। फिर हम लोग बी को वन करते हैं और ए को जीरो करते हैं। जब हम लोग बी को वन करेंगे तो देखिए बी मेरा क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया, बट मेरा ए तो अभी भी फॉरवर्ड बायस में है, तो आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, फिर से जीरो मिल जाएगा। अब हम लोग अज्यूम करते हैं ए को वन करते हैं और बी को जीरो करते हैं, ए को वन करते हैं। तो देखिए ए मेरा क्या है, ए मेरा क्या है अभी रिवर्स बायस में हो गया, बट बी क्या है, बी तो फॉरवर्ड बायस में है, मीन जीरो क्या है मेरे को आउटपुट पे मिलेगा, तो यहाँ से जीरो आउटपुट पे मिल गया। फिर अभी हम लोग दोनों को वन मान देते हैं, तो दोनों को जब हम लोग वन मान देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों रिवर्स बायस में हो जाएगा। जब दोनों रिवर्स बायस में हो जाएगा तो दोनों तो ओपन स्विच की तरह वर्क करने लगेगा। जब दोनों ओपन सर्किट ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा तो यहाँ से जो भी वीसीसी आएगा वो इधर ना जाने के बजाय कहाँ पे मिल जाएगा, आउटपुट पे मिल जाएगा, मीन्स आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। देखिए इस ये ट्रुथ टेबल किसका है, एंड का, मीन्स देखिए ये जो दोनों गेट है ये एंड की तरह बिहेव कर रहा है और ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंड की तरह, और ये जो पार्ट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, और की तरह। तो देखिए आउटपुट क्या मिल जाएगा, यहाँ से एंड की तरह ए एंड बी मिलेगा, ए एंड बी इसके लिए मिला, और इसके लिए क्या मिला, सी एंड डी एंड डी मिला, ठीक है। और ये दोनों जब इस पे अप्लाई होगा तो यहाँ से ये इसको ऑरिंग कर देगा, मीन्स दोनों को ये ऑरिंग कर दिया, तो यहाँ से ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुलियन एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किसका है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार, ये है। तो जब भी ऐसा है तो मैंने क्या बताया आप लोग को, कॉमन लेने के लिए हम लोग कॉमन किससे ले सकते हैं, देखिए इसमें से ए भी कॉमन ले सकते हैं। जब ए भी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस सी बार, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बार इंटू बी बार, तो बचेगा क्या, सी प्लस सी बार। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो सिंपली मेरा क्या आ गया, ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार, तो देखिए बार, तो देखिए ये किसका एक्सप्रेशन होता है, ये होता है एक्स नॉर का, मीन्स सी ऑप्शन राइट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द आउटपुट एफ टू बी वन, मीन्स आउटपुट का वैल्यू वन रखने के लिए, इन द लॉजिक सर्किट सोन द इनपुट कॉम्बिनेशन शुड बी, इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए कि ये कौन सा गेट है, एक्स और है, और ये कौन सा गेट है, एक्स नॉर है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बारी बारी से आंसर ऑप्शन रख के ट्राई करते हैं। जब हम लोग ए और बी दोनों के जगह पे वन वन देते हैं, वन वन दिए तो क्या आ गया, एक्स और में जब हम लोग सेम इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, जीरो मिलता है, मीन्स यहाँ से ये जीरो मिल गया आउटपुट, ठीक है। और सी का वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ से ये जीरो गया। और इस पे देखिए ये आया है वन, ये आया है वन, जब हम लोग एक्स नॉर में सेम इनपुट में सेम इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, वन मिलता है। ये मैं आपको बहुत दिनों से बोलती आ रही हूँ एक्स और एक्स नॉर के बारे में। तो देखिए अब ये मेरा क्या है, एक्स नॉर गेट है। एक्स नॉर क्या होती है, इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर होता है, बट यहाँ पे वन की संख्या क्या है, वन है, मीन्स ऑड नंबर है, तो आउटपुट इसके लिए क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, मीन्स मेरा ये ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है। अभी देखते हैं बी ऑप्शन के लिए, ये बोल रहा है कि ए पे वन, तो ए पे वन बी पे जीरो, बी पे हम लोग जीरो देते हैं, ये एक्स और है तो डिफरेंट आउटपुट, सॉरी डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे वन मिल गया, यहाँ पे वन मिल गया, ठीक है। फिर ये वन यहाँ पे आया और ये जीरो यहाँ पे, देखिए ये एक्स नॉर है, एक्स नॉर में डिफरेंट इनपुट के लिए क्या मिलता है, जीरो मिलता है, तो ये यहाँ से क्या हो गया, जीरो हो गया। सी की वैल्यू क्या है, जीरो। देखिए अभी भी वन की संख्या क्या है, ऑड है, मीन्स ऑड है, मीन्स अभी भी क्या मिलेगा, आउटपुट जीरो ही मिलेगा,
तो ये भी मेरा फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं सी ऑप्शन, क्या बोल रहा है कि A0 और B1, A0 और B1, तो देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। ये क्या है, XOR है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट इनपुट XOR पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिला यहाँ से। ये क्या है, XNOR है, डिफरेंट इनपुट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है। तो देखिए फिर से क्या आ गया, 1 की संख्या ऑड आ गई, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, इसके लिए भी 0 मिलेगा, मीन्स ये भी मेरा फॉलो नहीं कर रहा है। अभी हम लोग लास्ट ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए ए और बी 0 0, तो यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे ये 0। XOR में क्या होती है, जब सेम इनपुट रहती है तो आउटपुट क्या मिलता है, 0, तो यहाँ से ये 0 मिला। अब देखिए ये 0 यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे आया है, ये XNOR है, XNOR में सेम इनपुट रहती है तो आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो ये 1 यहाँ पे आया। C की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 यहाँ पे अप्लाई हुआ। देखिए अब इवन नंबर ऑफ 1 आ गया, और तो इवन नंबर पे क्या मिलता है, अब देखिए इवन नंबर ऑफ 1 आ गया, इवन नंबर ऑफ 1 पे क्या मिलता है, XNOR का आउटपुट 1 मिलता है, मीन्स डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर लॉजिक सर्किट शोन द रिक्वायर्ड इनपुट ए बी एंड सी टू मेक द आउटपुट एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा होगा। तो देखिए ये भी पहले की तरह है, कौन सा गेट है, XNOR गेट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये 1 है और ये 0, और C का वैल्यू क्या है, 1। जब हम लोग XNOR पे डिफरेंट आउटपुट दे सॉरी डिफरेंट इनपुट देते हैं तो आउटपुट का वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो ये यहाँ से 0 अप्लाई होगा। ये यहाँ से B आया, जब हम लोग XNOR पे डिफरेंट देते हैं तो यहाँ पे ये 0 मिलेगा, और ये 1, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, मीन्स एंड गेट में 0 × 0 × 1 करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बट ये 1 का बोला था, तो ये ऑप्शन क्या है, मैच नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं कि अभी हम लोग ए को 0 देते हैं, बी को भी 0 देते हैं, और सी को 1 देते हैं। तो देखिए XNOR में सेम इनपुट पे क्या देता है, आउटपुट 1 देता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी 0 है बी का और सी का 1 है, डिफरेंट आउटपुट हो गया तो क्या मिलेगा, डिफरेंट इनपुट हो गया, आउटपुट क्या मिलेगा, 0। यहाँ से ये सी का वैल्यू 1 है, अभी भी देखिए 1 × 0 × 1 आउटपुट क्या मिल रहा है, 0, मीन्स बी भी फॉलो नहीं कर रहा है। सी पे देखते हैं हम लोग, ए का भी वैल्यू 1 है और बी का भी वैल्यू 1 है, 1 1। XNOR में सेम इनपुट रहता है, आउटपुट क्या मिला, 1 मिला, ये 1 इस पे अप्लाई हुआ, अभी भी आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और सी का वैल्यू भी 1 है, तो एंड में क्या होती है, 1 × 1 × 1, तो आउटपुट क्या मिल गया, यहाँ से 1 मिल गया, मीन्स सी ऑप्शन राइट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सर्किट विच विल प्रोड्यूस द गिवेन आउटपुट क्यू फॉर द इनपुट सिग्नल्स X1 और X2 गिवेन इन द फिगर। देखिए इसमें X1 X2 इनपुट पे अप्लाई किए गए हैं और क्यू ये आउटपुट मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं, इसको पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसी से हम लोग देखेंगे कि गेट वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग इस रीजन के लिए ले चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 1 है, X1 का वैल्यू जब 1 है तो देखिए X2 की वैल्यू 0, X1 की वैल्यू 1, X2 की वैल्यू 0, तो मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 1 मिल रहा है, मीन्स हाई मिल रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट हाई मिला, ठीक है। देखिए अब देखते हैं हम लोग इस रीजन के लिए, देखिए यहाँ पे X1 की वैल्यू कितनी है, इस रीजन के लिए हम लोग देखेंगे X1 की वैल्यू कितनी है, 0, मीन्स लो है, X2 क्या है, लो है, आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है, मीन्स 1 मिल रहा है, मीन्स लो लो पे आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये डिले ऐड किया है, देखिए हम लोग अब इस रीजन के लिए देखते हैं, इस पार्टिकुलर रीजन के लिए देखेंगे, ठीक है। देखिए जब हम लोग डिले को रिमूव करेंगे तो ये सिग्नल X1 है तो यहीं पर रहेगा, बट जो X2 है ये थोड़ा सा डिले रिमूव करने के बाद ये और थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये भी जो मेरा आउटपुट है ये इधर खिसक जाएगा डिले को जब हम लोग रिमूव करेंगे। तो देखिए X1 कितना है इस रीजन के लिए, 1 है, X2 डिले रिमूव करने के बाद कितना हो गया, 1 हो गया, और आउटपुट देखिए इस रीजन में क्या हो गया,
जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो देखिए हम लोग इतना के लिए अब हम लोग चेक करते हैं कि ये मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है गेट को कि नहीं कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक्स वन क्या है, वन है, तो एक्स वन पे वन अप्लाई किए। एक्स टू क्या है, जीरो है, जीरो हो गया। और आउटपुट इसके लिए क्या बोल रहा है कि वन होना चाहिए, तो देखते हैं कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ से ये वन आया, वन ये इस पे अप्लाई हुआ, ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। नॉर गेट मीन्स क्या होता है, वन और जीरो की ऑरिंग करेंगे उस पे बार करेंगे, तो वन और जीरो और करके उस पे बार करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये यहाँ से जीरो मिला, जीरो फिर ये फीडबैक रास्ते के थ्रू यहाँ पे ये जीरो गया। देखिए वन और जीरो की ऑरिंग करेंगे, नॉर गेट है तो और करके कंप्लीमेंट करेंगे तो ये आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। बट ये बोल रहा है कि आउटपुट मिल क्या रहा है, वन मिल रहा है, मीन्स ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मीन्स ऑप्शन ए नहीं मैच किया। अब देखते हैं बी के लिए, बी पे सबसे पहले हम लोग यही कंडीशन लेकर के चलते हैं, फर्स्ट वाला ही, एक्स वन की जगह पे वन, ठीक है, एक्स टू कितना, जीरो, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं, ये वन फीडबैक के थ्रू यहाँ पे अप्लाई हुआ। देखिए ये कौन सा गेट है, और गेट है, और गेट, और गेट में सिंपली क्या करते हैं, वन प्लस जीरो, तो आउटपुट क्या मिला, यहाँ पे वन मिला। ये वन देखिए फीडबैक के थ्रू यहाँ पे ये गया, ठीक है, वन और वन की ऑरिंग करेंगे तो ये आउटपुट पे वन मिला। और पहले से भी हमने क्या एज्यूम किया था, आउटपुट वो वन ही एज्यूम किया था, तो मेरा क्या ये मीन्स फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं इसके लिए ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो देखिए एक्स वन की वैल्यू कितनी है इसमें, जीरो है, और वाई एक्स टू की भी वैल्यू क्या है, जीरो है। इसको भी देखते हैं, ये जीरो जीरो, और आउटपुट क्या बोल रहा है, वन होना चाहिए। देखिए ये वन इधर फीडबैक के थ्रू ये इस पे गया, जीरो और वन की ऑरिंग करेंगे आउटपुट में क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ये वन इधर से गया, यहाँ पे वन आया, वन जीरो की ऑरिंग करेंगे क्या मिलेगा, वन मिलेगा। हमने पहले से अज्यूम किया था कि वन मिलेगा, मीन्स वन ही मेरा मिला, मीन्स ये क्या है, फॉलो कर रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे जब दो वैल्यू रखा तो सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन्स अगर आगे का भी वैल्यू रखेंगे तो ये बी को सेटिस्फाइड करेगा, मीन्स बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डिजिटल सर्किट विच कॉम्पेयर्स टू नंबर, दिया हुआ है नंबर इज शोन इन फिगर टू गेट आउटपुट क्या मिलना चाहिए, जीरो। आउटपुट का वैल्यू क्या बोल रहा है, जीरो मिलने के लिए चूज वन पेयर ऑफ करेक्ट इनपुट नंबर। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, बी जीरो यह दिया हुआ है, और बोल रहा है कि आउटपुट जीरो मिलने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग ऑप्शन रख के देखते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या दिया है, वन जीरो वन जीरो, और बी की वैल्यू वन जीरो वन जीरो। इस पे देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलता है। देखिए सारे ये क्या है, एक्स और गेट है, और ये क्या है, एक्स नॉर गेट है, ये एक्स नॉर गेट है। देखिए एक्स नॉर गेट में हमने क्या बताया था, एक्स नॉर में जब दोनों इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ये किसके लिए है, एक्स नॉर के लिए। और एक्स नॉर के लिए क्या बताया था हमने कि जब दोनों इनपुट डिफरेंट रहेगा तब आउटपुट वन मिलेगा, मीन्स अगर सेम रहेगा तो इसमें क्या मिलेगा, आउटपुट जीरो मिलेगा। तो देखिए सारे का एक्स एक्स ऑरिंग करना है, ये बोल रहा है कि बी थ्री का ए थ्री से, मीन्स बी थ्री का ए थ्री से ये दोनों का एक्स और करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि सेम इनपुट है, सेम इनपुट पे एक्स और क्या देता है, जीरो देता है। देखिए फिर क्या है, बी टू ए टू, ए टू बी टू, ये भी सेम है, सेम पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या है फिर, ए वन बी वन, ये भी वन वन सेम है तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। देखिए ए ए नॉट जीरो, बी नॉट भी जीरो, मीन सेम है, आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और देखिए ये क्या है, एक्स नॉर है, एक्स नॉर पे अगर सेम इनपुट हम लोग देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, वन मिलता है। बट ये क्या बोल रहा है कि जीरो मिलना चाहिए, मीन्स ए सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब देखते हैं बी ऑप्शन,
बीम है 0101 0101। ये भी देखिए A3 B3 सेम हो गया, क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। A2 B2 सेम हो गया, जीरो मिलेगा। A1 B1 सेम हो गया, जीरो मिलेगा। मीन्स ये फर्स्ट वाला ही केस हो गया। इस पे भी क्या मिलेगा? आउटपुट 1 मिलेगा, बट मिलना चाहिए 0। मीन्स ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ये है 0 0 1 0 0 0 1 0। देखिए A3 B3 सेम, आउटपुट 0 मिला। A2 B2 सेम, आउटपुट 0 मिला। A1 B1 सेम, आउटपुट 0 मिला। A0 B0 सेम, आउटपुट 0 मिला। मीन्स पहले वाला ही कंडीशन हो गया। मीन्स यहाँ इससे भी आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, लेकिन मिलना था 0। मीन्स ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। डी देखते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 1। देखिए A3 B3 सेम, आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। A2 B2 सेम, आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, सेम इनपुट पे। A1 B1 सेम, आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। A0 0 और B0 1। XOR में देखिए A0 0 हो गया और B0 1 हो गया, मीन्स डिफरेंट इनपुट हो गया। डिफरेंट इनपुट पे क्या मिलता है? आउटपुट 1 मिलता है, मीन्स एक यहाँ पे आउटपुट मिला। और हमने क्या बताया था XNOR के बारे में, कि XNOR जो होती है वो इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर होती है। मीन्स 1 की संख्या जब इवन रहेगा तो आउटपुट 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस वैल्यू के लिए कि 1 की संख्या ऑड में है, 1 ही है 1 की संख्या, मीन्स ऑड है। तो इसके अनुसार से आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे? 0। मीन्स डी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड एरिया इन द वेन डायग्राम शोन इज। देखिए बोल रहा है कि इसने शेडेड जो एरिया है उसके लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो देखिए हम लोग लिखते हैं इस रीजन के लिए। देखो आप इसके लिए, इसमें देखिए ये तो हम लोग इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ इसके लिए लिखेंगे तो हम लोग वेन डायग्राम में क्या जानते हैं कि जो मैथ आता है उसको लिखते हैं ए से। मीन्स जिस एरिया में मिला उसको लिखेंगे ए, और अगर जो नहीं मिलता है उसको लिखते हैं बार से। अगर बी नहीं मिला तो इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, इस टाइप से लिखते हैं। तो देखिए ये किस टाइप से है, अगर आप इस पार्टिकुलर सिर्फ एरिया में देखोगे तो इसमें क्या मिल रहा है? ए भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है। बट क्या है, इसमें सी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? ए बी तो मिला और सी नहीं मिला, मीन्स कॉम्प्लीमेंट इस पे चढ़ गया। अब देखिए इस पार्टिकुलर रीजन के लिए लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके लिए आप अगर देखोगे तो इसमें ए भी है, देखो ए का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट है और कुछ सी का भी पार्ट है। मीन्स इसमें तीनों मिले, मीन्स ए बी सी, ठीक है। और अगर हम लोग इसके लिए देखते हैं तो देखिए इसमें क्या है, ओनली सी है, ए एंड बी इसमें एबसेंट है। मीन्स जो एबसेंट है उस पर कॉम्प्लीमेंट चढ़ जाएगा, और सी है तो सी को एज इट इज हम लोग लिखेंगे। देखिए अब इस टाइप का ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी, ठीक है। इस टाइप के कुछ ऑप्शन मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मीन्स इसको हम लोग और अभी सिंप्लीफाइड करेंगे। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, ए बी कॉमन हो गया, तो ये हो गया सी प्लस सी बार, और क्या है ए बार बी बार सी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार सी। देखिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो वो वेन डायग्राम का ही है, चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। देखिए ये तो बहुत इजी है। देखिए इस वाले रीजन में जब आप देखोगे तो देखिए कौन कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है और बी आ रहा है, बट सी नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या लिखेंगे? ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी नहीं आ रहा है, तो सी पे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए इस वाले रीजन के लिए इसमें बी और सी तो आ रहा है बट ए नहीं आ रहा है, तो ए नहीं आ रहा है मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट, बी और सी आ रहे हैं तो बी सी एज इट इज। अब देखिए इस वाले रीजन के लिए ए और सी तो आ रहे हैं, देखो ये सी का कुछ पार्ट और ये ए का कुछ पार्ट, ये तो आ रहे हैं बट क्या नहीं आ रहा है? बी नहीं आ रहा है, मीन्स ए आया है बी नहीं आ रहा है कॉम्प्लीमेंट, और ये सी। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन इसमें डायरेक्टली बी मैच कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है द
एंड फंक्शन कैन बी रियलाइज बाई बाई यूजिंग ए नंबर ऑफ नॉर गेट, वाट इज एन एन इक्वल टू, मीन्स एन का नंबर पूछ रहा है और बोल रहा है। तो चलिए इसमें भी देखते हैं कि हम लोग एंड को बनाने में कितने नॉर गेट का यूज करते हैं। तो देखिए एंड कुछ इस टाइप का होता है, जैसे ए और बी दिए तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए भी मिलेगा। देखिए इसमें देखते हैं हम लोग कितने नैंड गेट का यूज कर सकते हैं। देखिए ये नैंड गेट है, हमने आपको बताया था कि जब नैंड गेट या नॉर गेट अगर दोनों का इनपुट अगर शॉर्ट कर देंगे तो वो नॉट गेट की तरह यूज करता है। मैंने आपको ये सारे जितने भी पिछले वीडियो करवाए हैं ये सब मैंने आपको बेसिक जो भी है वो मैंने बता दिए। देखिए यहाँ से ये ए है और ये है बी, ठीक है। तो देखिए ये मेरा नॉर गेट है, हमने इसके इनपुट को क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए कम्प्लीमेंट और यहाँ पे क्या मिलेगा, बी कम्प्लीमेंट है। और अगर हम लोग फिर इससे इसको एक और नॉर को देते हैं तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट और एक और कम्प्लीमेंट। यहाँ से अगर हम लोग डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए पर डबल कम्प्लीमेंट इंटू बी पर डबल कम्प्लीमेंट। तो ये सिंपली क्या जाएगा, ए इंटू बी, ये ए बी और ये ए बी, मीन्स कितने हम लोग को नॉर गेट की जरूरत पड़ी, तीन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सिंगल लॉजिक गेट एक्सेप्ट फॉलोइंग वन ऑफ देम। बोल रहा है कि किसके लिए हम लोग सिंगल गेट यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ से तो हम लोग को डायरेक्ट दिख रहा है ये किसके लिए है, नॉर के लिए। इसके लिए हम लोग ये वाली गेट यूज करते हैं, ये है मेरा नैंड का, तो नैंड के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। देखिए ये किसका है, एक्सोर का, तो एक्सोर का हम लोग ये यूज करते हैं। इसके लिए तो हम लोग को मिल गया, बट देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एंड का है, ये और का है, ये और ये एक्सोर का है, इसके लिए एक गेट से काम नहीं चलेगा, मीन्स ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नैंड नैंड रियलाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू। बोल रहा है कि नैंड नैंड, तो देखिए हम लोग नैंड नैंड बनाते हैं, जैसा कि ये हमने ए बी, तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और एक और हम लोग देते हैं सी डी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सी और डी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको हम लोग नैंड में देते हैं तो ये क्या देता है, ए बी इंटू सी डी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी पे डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इंटू डी पे डबल कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना आ गया, ए बी प्लस प्लस सी डी, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। अब देखते हैं कि इसमें से इस टाइप का ही अगर सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो देखिए ये बोल रहा है एंड नॉट, तो एंड जैसे कि हमने ये हमने एक एंड गेट ले ली, यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी, और इससे बोल रहा है ये नॉट। अगर हम लोग नॉट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए ये मेरा मैच नहीं कर रहा है, बोल रहा है फिर एंड और, तो देखिए एंड और करते हैं। ये देखिए हमने इसमें एंड किया हुआ है, एक और एंड करते हैं, सी डी, और इसके बाद क्या बोल रहा है, और, तो यहाँ से इसका ऑरिंग कर देते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आउटपुट, ए बी प्लस सी डी। तो देखिए मीन्स ये मैच कर रहा है, मीन्स इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप आगे का करके देखोगे तो वो मैच नहीं करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
फॉर अ फोर इनपुट नॉर गेट व्हेन ओनली टू इनपुट्स आर टू बी यूज्ड द बेस्ट ऑप्शन फॉर द अनयूज्ड इनपुट्स इज टू। देखिए बोल रहा है फोर इनपुट नॉर गेट, ये फोर इनपुट नॉर गेट है। मान लीजिए कि ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। और ये तो मेरा यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कंप्लीमेंट मिल जाएगा। तो देखिए हमने हमने फोर्थ ऑप्शन से ट्राई करते हैं, कनेक्ट देम टू द यूज्ड इनपुट, मीन्स बोल रहा है कि दो इनपुट जो है इनको जो यूज्ड किए हैं उसी से कनेक्ट करने को। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे सी को ए से कनेक्ट कर दे रहे हैं और डी को बी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, मीन्स ए इक्वल सी और डी इक्वल बी। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी और सी के जगह पे ए और डी के जगह पे बी, तो हमने एक आइडमपोटेंट लॉ बताया था कि ए प्लस ए कितनी हो जाती है, ए होती है और बी प्लस बी, तो यही ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये रिड्यूस तो हो रहा है बट क्या हो रहा है, इससे आपका क्या हो जाएगा, फैन आउट पे इफेक्ट पड़ेगा, फैन आउट भी कम हो जाएगा, मीन्स ये इफेक्टिव नहीं है। अब देखते हैं सी ऑप्शन, बोल रहा है कीप देम ओपन, बोल रहा है कि ये जो है मेरा इसको ओपन रखेंगे तो क्या होगा। तो देखिए जब हम लोग को ओपन ही रखना था तो हम लोग दो जो इनपुट है इसका हम लोग यूज क्यों करेंगे, मीन्स ये भी इफेक्टिव नहीं है। फिर बोल रहा है बी ऑप्शन कनेक्ट देम टू वीसीसी, बोल रहा है कि दोनों को वीसीसी से कनेक्ट करने को, मीन्स दोनों को वन देने को। देखिए इसमें देखते हैं कि आउटपुट पे क्या असर पड़ता है, अगर हम लोग दोनों को वन देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस वन का बार। तो सिंपली यहां से इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये तो सारे को वन बना देगा, क्योंकि अब अगर आप किसी भी ए में अगर आप वन ऐड करोगे तो ये वन ही देता है, आप जीरो में वन ऐड करोगे तो ये वन ही देता है, मीन्स ये अपने पे डिपेंड करवा देगा। अगर हम लोग बीसी से कनेक्ट करेंगे तो ये बीसीसी के वैल्यू पे इसका आउटपुट डिपेंड करने लगेगा, तो ये भी मेरा इफेक्टिव नहीं है। फिर ए ऑप्शन बोल रहा है कनेक्ट देम टू ग्राउंड, बोल रहा है कि अगर इसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, मीन्स अगर जीरो देते हैं तो चलिए ग्राउंड से हम लोग कनेक्ट कर दिए, अगर ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, मीन्स कितना आएगा, ए प्लस बी का बार आएगा। तो हाँ देखिए ये ऑप्शन क्या है, इसको ये फॉलो कर रहा है, मीन्स ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए इतना ही, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।